नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का चिंतन शीर्षक है प्रकृति पुरुष। एक बार महान संत मीराबाई जी तीर्थाटन के समय वृंदावन आई। वहां कणकण में अपने आराध्य प्रीतम का वास देखकर वो भाव विहल हो गई। उनकी आत्मा मयूर की भांति नृत्य करने लगी। मीराबाई जी श्री बिहारी जी के मंदिर में पहुंचती हैं। उस समय श्री स्वामी जीव गोस्वामी जी वहां विराजते थे। मीराबाई जी को उनके दर्शनों की तीव्र इच्छा हुई और वो उनके स्थान पर जा पहुंची। लोगों ने तथा उनके शिष्यों ने भी उनको बताया कि स्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते हैं, स्त्रियों से कभी नहीं मिलते हैं, वो तो उनकी ओर आंखें उठाकर देखते भी नहीं हैं। मीराबाई जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और मीराबाई जी ने कहा कि भाई ऐसा क्यों? संपूर्ण विश्व में तो पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है, यह कौन सा नया पुरुष नाम का पट्टीदार आ गया? भैया आप भी हम भी सभी स्त्रियां हैं, यहां तक जहां तक की प्रकृति है वहां तक हम सभी तो हैं। प्रकृति के पार तो केवल और केवल एक ही पुरुष है, कौन? वो है श्री कृष्ण। गोस्वामी जी के शिष्य भागे भागे अंदर गए, उन्हें गोस्वामी जी को पूरा संवाद सुनाया कि एक महिला बाहर आई हैं, अपना नाम मीराबाई बता रही हैं, और उनका सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। गोस्वामी जी को उसी क्षण आत्मबोध हुआ और वो अपने स्थान से नंगे ही पांव दौड़ते हुए मीराबाई जी के पास आए, उनसे भेंट कर अपनी भूल को स्वीकार किया, क्षमा याचना की। इसके बाद से उनके मन से स्त्री पुरुष का यह भेद सदा के लिए मिट गया। सार, वस्तुतः वैराग्य विवेक के गर्व से ही उत्पन्न होता है। जब हम प्रकृति पुरुष के भेद को तत्व से समझ लेते हैं, तब जहां पर विवेक है वहां पर भोगों से, अहम से, तृष्णा से स्वतः ही वैराग्य हो ही जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री मीराबाई जी की। आज दिनांक 24 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, शरद ऋतु, सूर्योदय 6:25 प्रातः, सूर्यास्त 5:21 सायकाल, शरद ऋतु। प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल मेख राशि के साथ। भाग्यशाली अंक 8। स्वास्थ्य की तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सहायता लीजिए, समय पर शारीरिक जांच करवाएं, भोजन का विशेष ध्यान रखें, पौष्टिक आहार ही लें। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहने की पूर्ण संभावनाएं हैं और परिवार की ओर से किसी मानसिक तनाव से आपको कष्ट पहुंच सकता है, ध्यान रखिएगा। उनके प्रेम स्नेह में कमी का आपको आभास भी हो सकता है। कार्यस्थल पर स्थिति मजबूत बनी रहेगी, भावी योजना बनाने के लिए सर्वोत्तम समय है। अधिकारियों एवं सहयोगियों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी से पूर्ण प्रेम स्नेह की प्राप्त होने की आशा है। पारिवारिक वातावरण को सुंदर बनाए रखने के लिए आसपास घूमने जाइएगा, व्यर्थ की बातों में ना उलझें। किसी पारिवारिक आयोजन के अवसर पर मन प्रसन्न होने की भी पूर्ण संभावनाएं हैं। आज आप पीले रंग का वस्त्र धारण करें, पीले भोज्य पदार्थ अधिक ग्रहण करें। वृक राशि, भाग्यशाली अंक 8। स्वास्थ्य सर्वोत्तम दशा में बना रहेगा, किंतु इसी प्रकार से ध्यान बनाए रखें। ध्यान योग नित्य प्रति करने से स्वास्थ्य स्थायी रूप से अच्छा बना रहेगा। आर्थिक स्थिति मध्यम बनी रहेगी, कोई आर्थिक लाभ के होने की भी संभावना है। भविष्य के लिए संचय का विचार किया जा सकता है। किसी को पैसा उधार देने से बचें, पारिवारिक प्रेम स्नेह की
पूर्ण प्राप्ति की संभावना है। कार्यस्थल पर भी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आप अपनी कार्यशैली और व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे और यदि कोई समस्या आएगी तो उसको सुलझा भी लेंगे। जीवन साथी के प्रेम स्नेह की पूर्व की अपेक्षा कुछ कम प्राप्ति होने की संभावना है। कोई भी तनाव की स्थिति बन सकती है। क्रोध ना करें, प्रेम पूर्वक शांति से पारिवारिक वातावरण को सुंदर बनाए रखने का प्रयास करें। शांत मन तनाव के समय में सर्वोत्तम औषधि का काम करता है। देवस्थान में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, अपने इष्ट देव की आराधना करें, मस्तक पर तिलक धारण करें। किसी असहाय की सहायता करने से आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, भाग्यशाली अंक 6, स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है। ध्यान देने की भी बहुत आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहने की पूर्ण संभावना है। आय का नया स्रोत बनने की भी आशा है। पारिवारिक प्रेम एवं स्नेह कुछ मध्यम अवस्था में बने रहेगा। कार्यस्थल पर भी कोई स्थिति मजबूत बनी रहने की पूर्ण संभावना है। कोई नई योजना बनाने में आप सफल होंगे। आप अपने अच्छे स्वभाव के कारण प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं। आज यात्रा ना करें, अधिक फलदायी नहीं होगी। जीवन साथी के प्रेम स्नेह की कुछ कमी के साथ प्राप्ति होने की संभावना है। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं आसपास घूमने का कार्यक्रम बनाइए। उनको सफेद रंग का कोई उपहार भेंट करें। श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान जी का तिलक धारण करें, आपको लाभ होगा। कर्क राशि, भाग्यशाली अंक 9, स्वास्थ्य सर्वोत्तम बना रहने की पूर्ण संभावना है। किंतु इसके साथ ही इसी प्रकार की कोई परेशानी होने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चिकित्सक की सलाह की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ध्यान रखिएगा, आर्थिक स्थिति में पूर्व की अपेक्षा सुधार होने की संभावना है। अनावश्यक धन खर्च न करें। परिवार का पूर्ण सहयोग एवं प्रेम पूर्व की अपेक्षा कुछ कमी के साथ आपको प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। अचानक किसी पुराने पारिवारिक व्यक्ति, पुराने मित्र से भेंट होने की संभावना है, जो आपके मन को प्रसन्नता से भर देगी। कार्यस्थल पर स्थिति मजबूत बनी रहेगी। कोई समस्या आने पर अपने बुद्धि कौशल चातुर्यता से उसका आप समाधान निकालने का प्रयास कर लीजिए। आपको सफलता भी मिलेगी। नवीन योजना बनाना लाभकारी होगा। जीवन साथी से पूर्व की अपेक्षा कुछ कम अवस्था में प्रेम एवं सहयोग की प्राप्त होने की आशा है। उनको कोई उपहार देकर पारिवारिक वातावरण को मधुर बनाने का प्रयास कीजिए। आसपास घूमने जाइएगा, कोई घरेलू उपयोगी वस्तु घर के लिए खरीद कर लाइए और अच्छा लगेगा। किसी कन्या को हरे रंग का सूट पहनाइए। साबुत मूंग की दाल देवालय में भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा और स्वयं भी कोई हरे रंग का परिधान पहनने से आपको लाभ होगा। सिंह राशि, भाग्यशाली अंक 8, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हालांकि मध्यम अवस्था में है। और अधिक स्वस्थ रहने के लिए ध्यान योग का सहारा लें। चिकित्सक की सलाह भी आपके लिए लाभकारी होगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहेगी, किंतु सावधानी से खर्च करें। बिना बजट बनाए कोई खर्च ना करें। पारिवारिक प्रेम एवं स्नेह पूर्ण रूप से मिलता रहेगा। कार्यस्थल की स्थिति पूर्व की अपेक्षा कुछ ढीली रह सकती है। शांति से काम लें। जीवन साथी के प्रेम स्नेह में कुछ कमी का आभास हो सकता है। उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पुरानी किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न ना होने दें। बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाइए, मानसिक शांति मिलेगी। अति उत्साह और उन्मुक्त व्यवहार कभी कभी दुखदायी हो सकता है। सावधान रहिए, किसी पुराने रुके हुए काम के भी पूर्ण होने की आशा है। अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। किसी काले कुत्ते को दूध रोती दें, आपको लाभ होगा। कन्या राशि, भाग्यशाली अंक 6, स्वास्थ्य उत्तम बना रहने की आशा है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। चिकित्सक की सहायता परामर्श आपके लिए लाभकारी हो सकती है। ध्यान एवं योग से मानसिक शांति मिलती है। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अचानक कहीं पर धन खर्च होने की भी संभावना है। किसी मित्र या रिश्तेदार का अचानक आना आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगा। पारिवारिक प्रेम एवं स्नेह और वृद्धि लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र की स्थिति उत्तम बनी हुई है। कोई समस्या आने पर सहयोगी और अधिकारियों से आपको सहयोग भी मिलेगा। जीवन साथी से प्रेम स्नेह सहयोग की आशा है। उनको आज आप गुलाबी रंग का कोई उपहार भेंट दें, लाभ होगा। कुत्ते को रोटी खिलाइए, उसको दूध पिलाइए, उससे भी आपको लाभ होगा। तुला राशि,
भाग्यशाली अंक 8, स्वास्थ्य उत्तमावस्था में बना रहने की आशा है। ध्यान, योग तथा भ्रमण नियमित रूप से करें। आर्थिक स्थिति मध्यम अवस्था में बनी रहने की आशा है। कहीं पर अचानक धन खर्च करना पड़ सकता है, सावधान रहिएगा। कोई भी अनावश्यक खर्च ना करें। पारिवारिक प्रेम, स्नेह, सहयोग की आपको पूर्ण रूप से प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर स्थिति कुछ तनाव वाली हो सकती है या कार्य की अधिकता भी आपके तनाव का कारण बन सकती है। आज आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप प्रतिफल की प्राप्ति कम होने की संभावना है। जीवन साथी से प्रेम एवं सहयोग में पूर्व की अपेक्षा कुछ मध्यम अवस्था में प्राप्त होने की आशा है। शांत रहकर पारिवारिक वातावरण को सुंदर बनाए रखने का प्रयास कीजिए। आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जाइए, मानसिक शांति प्राप्त होगी, पारिवारिक वातावरण अच्छा बनेगा। आज आप परिधान में सफेद रंग का प्रयोग अधिक कीजिए, मस्तक पर चंदन का तिलक धारण कीजिए, लाभ में रहेंगे। वृश्चिक राशि, भाग्यशाली अंक 1, स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है। इसको निरंतर और अधिक अच्छा रखने के लिए ध्यान, योग, भ्रमण नियमित रूप से करते रहिएगा। आर्थिक रूप से कुछ अभाव आभास हो सकता है। बिना योजना बनाए कोई खर्च ना करें, अनावश्यक खर्च ना करें। परिवार का वातावरण, प्रेम, स्नेह में कुछ कमी आप महसूस कर सकते हैं। कार्यस्थल पर भी कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप अपने धैर्य और चातुर्य से स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास कीजिए। किसी से बहस में ना उलझें। जीवन साथी से सहयोग और प्रेम कुछ मध्यम अवस्था में मिलने की आशा है। किसी से बहस ना करें। मानसिक शांति के लिए स्वाध्याय करें। अपने बड़ों का सम्मान करें। भगवान आशुतोष की आराधना कर उनको जल अर्पित करें। लाल वस्त्र धारण करें, चंदन का तिलक धारण करें, लाभ रहेगा। धनु राशि, भाग्यशाली अंक 7, स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बना रहने की आशा है। निरंतर योग ध्यान करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। निवेश से आपको लाभ होने वाला है। उधार देने से किसी को भी बचिएगा। पारिवारिक प्रेम स्नेह में कमी का आभास हो सकता है। कार्यस्थल पर स्थिति अच्छी बनी रहने की आशा है। कार्य की अधिकता या कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सावधान रहिए, समाधान भी मिलेगा। जीवन साथी से प्रेम स्नेह की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाइए, मानसिक शांति मिलेगी। भगवान शिव की आराधना करें, उनको जल अर्पित करें, मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, अच्छा लगेगा। मकर राशि, भाग्यशाली अंक 7, स्वास्थ्य की उत्तम स्थिति बनी रहेगी। प्रातःकालीन भ्रमण, सात्विक भोजन, नियमित स्वास्थ्य को स्थिर बनाए रखने के लिए जांच करते रहिएगा। आज किसी पुराने चले आ रहे कष्ट से मुक्ति मिलने की भी संभावना है। आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति रहने की संभावना है। साथ ही आपको सचेत भी रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक धन खर्च न करें। परिवार के प्रेम स्नेह की कुछ कमी के साथ प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करने में लापरवाही न करें, अन्यथा तनाव और भी बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर स्थिति निम्न अवस्था में बने रहने की आशा है। अपने काम से काम रखें, आवश्यकता पड़ने पर ही संपर्क बनाएं। जीवन साथी के प्रेम और स्नेह में स्थिरता बनी रहेगी। उनके स्वास्थ्य का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आज आप हरे रंग का कुछ उपहार उनको भेंट कीजिए। अपने अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए, आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए आपके उत्तम रहेगा। किसी सुयोग्य पात्र को, विशेष रूप से कन्या की, आर्थिक रूप से मदद करें। उसको अन्न धन वस्त्र से पोषित करें, आपको लाभ होगा। प्रातःकाल दूध मिश्रित जल से पीपल की जड़ को सींचें, उसी जल से मस्तक पर तिलक लगाएं और रात्रि में पीपल के नीचे दीपक जलाएं। कुंभ राशि, भाग्यशाली अंक 5, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। नियमित रूप से योग एवं भ्रमण करते रहिएगा। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सलाह, जांच भी करवाइए। आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहने की आशा है। सावधानी से खर्च करें, अनावश्यक खरीदारी ना करें। पारिवारिक जनों में प्रेम स्नेह कुछ कमी के साथ प्राप्त होने की संभावना है। कार्यस्थल की स्थिति निम्न अवस्था में बने रहने की आशा है। सहयोगियों एवं अधिकारियों से किसी अनावश्यक बहस में ना उलझें। जीवन साथी से पूर्ण प्रेम सहयोग की प्राप्ति होगी। उनको कोई सफेद रंग का उपहार देकर
और परिवार के साथ कहीं आसपास घूमने के लिए जाकर मानसिक शांति बनाए रखें, पारिवारिक वातावरण को और अच्छा बनाए रखने की प्रयास करें। किसी पुराने परिचित या मित्र से भेंट होने की संभावना है। यदि कोई यात्रा की योजना बना रखी है तो वह भी अधिक लाभकारी नहीं रहेगी। यदि जाना भी पड़े तो बहुत सावधानी के साथ यात्रा करें। अपने इष्ट देव के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं। आसपास यदि शनि मंदिर है तो उसमें सरसों का तेल अर्पित करें। अंत में मीन राशि, भाग्यशाली अंक 3। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक बनी रहेगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान योग निरंतर कीजिएगा। धन के अभाव का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही कोई आर्थिक हानि होने की भी संभावना है। अनावश्यक खर्च ना करें। पारिवारिक प्रेम इसने कुछ कमी लिए आपको प्राप्त होने की आशा है। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। जीवन साथी का प्रेम और इसने भी कुछ कमी के साथ आपको प्राप्त हो सकता है। कोई भी बात तनाव का कारण बन सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, शांति से काम लें। भगवान आशुतोष की आराधना करें, उनको दूध मिश्रित जल से अभिषेक करें, मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं, आप लाभ में रहेंगे। बस आज इतना ही। पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर बने रहिएगा हमारे साथ तरोताजा देश विदेश की नवीनतम खबरों के लिए, और साथ ही न्यूज ब्रेकिंग, धार्मिक जानकारियों के साथ दैनिक मासिक राशिफल। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री सियाराम।